तो कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही दुखद घटना के चलते हमें पता चला है कि तुम में से 45% लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही बस वीडियो देखे जा रहे हैं। यार जब वीडियो देख रहे हो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो ना, वो लाल बटन दिख रहा है दबा दो यार, वो घंटा दिख रहा है बजा दो यार, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है कर दो ना, गरीब की दुआ लगेगी समझ रहे हो। एनीवे नाउ बैक टू बिजनेस। तो चितियापा शुरू होता है मुंबई से, जहाँ कपिल शर्मा हु इज अपेरेंटली रिच, आई मीन वे टू रिच, और इसकी तीन तीन शादी हो चुकी है। What the actual fuck? Yep, अभी तो बस शुरुआत है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। Damn excited man. And इसकी तीनों शादियाँ गलती से हुई हैं। कुछ भी लाइक हाँ, हम तो सारे चूतिये हैं जैसे। ए रुपाली। पहली शादी ये जाने तो या जाने ना वाली से होती है, कहे कि ये रोड आंख बंद करके क्रॉस करके गिर गई एंड कपिल शर्मा को छोड़ के कोई भी इसकी हेल्प करने नहीं आया और इतना अच्छे से हेल्प किया कि इसके बीमार बाप को दवाई देने के लिए इसके साथ हाथ पकड़ के हॉस्पिटल के अंदर तक चला गया और उसका एक पैर कब्र में और एक पैर केले के छिलके पे वाला बाप इसको इसके साथ देख के सोचता है, अरे ये तो इसका बाबू है रे, सुन बेटा मैं क्यों क्या कैसे नहीं पूछेगा, मैं मर जाता है, मरने से पहले तू ये जाने ना वाली मेरी बेटी से शादी कर ले, आखिरी ख्वाहिश है मेरी, भाई है ना तू, भाई को मना करेगा, I'm dead. And well, भाई को मना कैसे करें, तो हो गई शादी। Told you, it gets weird. ओए, real life में ऐसा होता है क्या? पकड़ मेरी डाली, ए रुपाली। अब शादी नंबर टू, जहाँ ये दोस्त की शादी में जाता है लेकिन साला दोस्त गायब हो जाता है और इज्जत बचाने के लिए ये घोड़ी पे चढ़ जाता है, बट वेल सरप्राइज सरप्राइज दोस्त ने चूतिया काटा है इसका, कहा है कि इसी का फोटो दिखा के इसी की शादी जबरदस्ती कराने का प्लान, सांप को पाल रहा था। एंड होने वाली बीवी नंबर टू इज लाइक, शादी कर लो वरना थोड़ी सी आग में कूद के माइनर स्किन बर्न ले लेंगे। एंड वेल दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, अरे रुको जरा, इट गेट्स मोर वियर्ड। शादी नंबर थ्री, जहाँ ये होने वाली थर्ड वाइफ भाग के आके बोलती है, बचाओ हमारे पीछे गुंडे पड़े हैं। एंड वेल गुंडे से बचाना तो हो गई, लेकिन ये तो खुद शादी से भाग के जा रही है, लेकिन इसका बाबू तो इसका ही चूतिया काट के भाग गया एंड गुंडा है अरबाज खान इसका भाई। What the fuck? And he's like, सुन बे गेंडो, मैं बहरा है तो I can't read shit and I wish I could read too, वरना ऐसे चूतिया मूवी में कभी साइन नहीं होता ना ही कभी डेब्यू होता। Anyway, बंदूक की नोक पे तेरी शादी करा रहा हूँ विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट आई एम डम्ब। एंड वेल लोगों के चूतिया बोसे नोड़े लग गए। तीन तीन बीवी, वाह बेटा, सीरियसली राइटर्स के लिए स्काउट्स क्लैप गो। ए गाना बजा रहे तू, अरे साथ आई तुम, अरे साथ आई तुम, अरे साथ आई। Meanwhile, इसका दोस्त है चूचा, who is apparently a lawyer. चोर है साले. And knows about his shit. इसके साथ चिल कर रहा है एंड इसकी कम्प्लेन सुन रहा है कि, ओए यार तीन तीन बीवी यार, थक गया हूँ यार, तीनों को अलग अलग रख के ट्रैवलिंग करके तीनों का चूतिया काट के कि मैं दो दिन काम करता हूँ एक दिन आराम करता हूँ। एंड दे इवन बाय दैट शिट, तो सॉल्यूशन दे चूचे। तो चूचा इज लाइक, कोई और धंधा करते हैं। Well, मेरे पास लॉ का डिग्री है, so obviously I'm smart. तो since you are a rich motherfucker for some reason, एक ही बिल्डिंग में तीन घर ले ले, तीनों को उसी में रख, ट्रैवलिंग का खर्चा और टाइम दोनों बच जाएगा। Like what can possibly go wrong? Everything. इसकी लॉ की डिग्री की फोटोकॉपी निकाल साला, साला शक है मुझे इस पे। It's a fake. And well, इसका सच में एक एक फ्लोर का गैप लेके एक ही बिल्डिंग में रहना शुरू। What the fuck? मुंबई में यहाँ एक चौल नहीं ले पाते लोग और ये तीन तीन फ्लैट शो अच्छा चल रहा लगता है। जाने दो। जहाँ एक वाइफ इज ऑलवेज एक्स्ट्रा अफेक्शनेट। बंद करो यह आवाज का नंगा नाच। लेकिन काम वाली बाई जॉन लीवर की बेटी गॉट नो चिल्स। बीवी नंबर टू को चाहिए बच्चा, बट ही गॉट नो चिल्स। एंड बीवी नंबर थ्री इज जस्ट वियर्ड। लेकिन तीनों के साथ स्कैम काफी अच्छा चल रहा है एक ही बिल्डिंग में एंड किसी को कोई शक भी नहीं हो रहा। ओके या टोटली नॉट बाइंग दैट, बट रिमेम्बर व्हाट आई टोल्ड यू, इट गेट्स मोर वियर्ड। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। Yep, मिकी वायरस का काटने वाली एली, who is a dancer, music. फटिया धारा तेरा जाई ओढ़ा के हमरो फुला देला। And well, इसे भी शादी करनी है इससे। वाह, इंडिया का सेक्स रेशियो फिक्स हो गया या लड़कों की कमी होने लग गई है जो सब तीन चार लेके कंपेंसेशन कर रहे हैं? To keep the humanity alive, I mean. But who cares? And इसका बाप है कचरा सेठ, जिसको for some reason relationship वाले चाहिए ऑफिस में, वरना fuck off. कौन है इसका राइटर? लेकिन मिकी वायरस का काटने वाली इसके ऑफिस आती है अपने जोरू कपिल शर्मा का फोटो देने, बट ही इज बिजी, तो
पापा हम जा रहे हैं, आप देख लेना। और फोटो हो जाता है ये न्यू हायर्ड एम्प्लॉय के बॉयफ्रेंड के फोटो के साथ मिक्स अप। एंड वेल, जॉब प्यारी है तो आज से यही तेरा इमेजिनरी जोरू। सीरियसली, हु थॉट ऑफ दिस शिट? बट वेल, कचरा सेठ नाउ वांट्स टू मीट कपिल। कहे कि नहीं मिले तो बेटी बीच रात रामपुरी लेके भेलपुरी निकाल देगी। लेकिन इसको कपिल को देख के हो रहा है शक, व्हाट द फक। बट देन ही इज लाइक, लड़का अच्छा है, टीवी पे आता है क्या, शादी हो गया है क्या? नहीं हुआ लगता है, चलो शादी डन, लफड़ा नहीं करने का आगे मूवी में। हाँ पुअर गाय, लफड़ा तो चल के आएगा बेटा लाइफ में। वहाँ कपिल शर्मा की माँ हंसा बेन इज लाइक, अरे कपिल बेटा मैं आ रही हूँ तेरे यहाँ। कहे कि एक साल से शादी किया बैठा है लेकिन मैं शादी में नहीं आई, ना ही बहू को देखी, कभी भी आ जाऊंगी अनअनाउंस फॉर नो रीजन टू क्रिएट मोर लफड़ा इन दिस मूवी। ऑल्सो इसकी मॉम डाइवोर्स्ड है, कहे कि इसका बाप चमड़ी था तो इसकी माँ को छोड़ के लफड़ा किया एंड नाउ 15 साल हो चुके हैं। ऑल्सो ही हैज नो क्लू कि कौन सी वाली बीवी का फोटो भेजा था बाप को, किसने लिखा है, क्यों? प्लीज ये पॉइंट याद मत रखना वरना सर फट जाएगा। बट सिंस आई डोंट नो हाउ ये बिल्डिंग में नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, मरीन ड्राइव पे तो मिल सकते हैं। सो दे आर लाइक, हेलो हाउ आर, सेम बिल्डिंग हां, बेस्टी बेस्टी, अरे तुम भी जूस पीने वाली, सेम बिल्डिंग, अरे बेस्टी बेस्टी। बेटा कपिल आपके तो लोड़े लग गए। लेकिन वहाँ कपिल अपनी बीवी नंबर 2 के साथ जाता है मॉल करवा चौथ की शॉपिंग करने, लेकिन बाकी दो वाइफ्स बेस्टी बन गए हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नारियां में आता कंट्रोल बाबा कंट्रोल। एंड सारे के सारे हैं सेम मॉल में फॉर सम रीजन। एंड वेल, सिंस द राइटर वाज हाई ऑन अगरबत्ती व्हाइल राइटिंग दिस शिट, तो कचरा सेठ भी आ जाता है मॉल में बस पे। ये बीवी नंबर 1 से टकराता है तो ससुर जी ये देख के करते हैं इस पे शॉक। बीवी नंबर 3 से टकराता है तो ससुर जी रिपीट्स द प्रोसेस। बीवी नंबर 2 से टकराता है तो ससुर जी की फटके फ्लावर। एंड इसका शक अब 7वें आसमान पे है। लेकिन ये किसी रैंडम औरत के साथ हेल्प करने के नाम पे पैर अप करके बोलते हैं, तीनों लड़कियों ने झूठ बोला मेरे साथ मिलकर और इनको अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तो अब आ गया करवा चौथ, तो अब सबका उपवास तोड़े तो तोड़े कैसे, लौड़े लगेंगे कैसे ना कैसे। बट दिस मदरफकर इज स्मार्ट, तो साला अगले बिल्डिंग के सेक्रेटरी से रूफ पे जाने का परमिशन ले यूजुअल से ज्यादा बड़े चांद के सामने शाहरुख खान बनके इनका उपवास तोड़ देता है। वेल आई मस्ट एडमिट आई एम इम्प्रेस्ड, गुड जॉब हियर राइटर, पर फिर भी मूवी चूतिया लिखा तुमने। चलो कोई नहीं, आपके इस अटेम्प्ट के लिए एक गाना तो बनता है। ए गोड़िया अरे अरे साथ आई तुम, अरे साथ आई तुम, अरे साथ आई तुम, व्हाट द फक। लेकिन राइटर ने सिर्फ इतना ही पार्ट अच्छा लिखा था और आगे हगा था, तो इंट्रोड्यूस होता है कपिल का चमड़ी डाइवोर्स बाप, जो देता है इन्हें सरप्राइज। एंड सिंस इसने अपनी बीवी नंबर 3 का फोटो भेजा था तो चूचा इसे बीवी नंबर 3 के पास ले जाता है। एंड फॉर सम रैंडम रीजन इसकी माँ हंसा बेन भी उसी टाइम उसी दिन आ जाती है। ओके भाई साहब थोड़ी मौत मिलेगी, नहीं थोड़ी सी नहीं। शाम को तो गेस करो कौन आता है बर्थडे में, बाकी की बीवियां। क्यों चूचे, फूल प्रूफ प्लान था ना ये तो? नहीं। So, भाई साहब बचने के लिए मुंह पे केक लगा लेते हैं। एंड गेस व्हाट, आई डोंट नो हाउ बट अपेरेंटली इन दिस यूनिवर्स अपनी तीनों बीवी के सामने ही गेट्स अवे फ्रॉम दिस शिट। कुछ भी। Yes, this is it. This is it. I need some zeher. ओ दिल्ली की टिकट करा मेरी, वहां जाके सांस लेना है मुझे। तो करना। तो अगले दिन इसके माँ बाप आर यूनाइटेड एंड देर लाइक, अरे हाय चलो पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, ऐसा लग जा गले। ऑल्सो आई गेस हमारी बेटी की दो वाइफ है, लेकिन अच्छा लड़का है तो बाप मैं प्यार से पूछेगा, बिकॉज इट्स नॉर्मल, चलो रोमांस रोमांस करते हैं सोसाइटी में, हमारी बहू भी देख लेंगी हमें। थोड़ा ज्यादा हो गया। Told you it gets weird. लेकिन वहाँ क्लब में मिकी वायरस का काटने वाली एली इज डांसिंग। ए रूपाली, ए रूपाली, पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली। एंड गेस व्हाट, गेस व्हाट, ये इसकी बीवी नंबर 2 की बेस्टी है। हाँ भाई पटाखे फोड़ 3-4 मेरे मुंह पे। नहीं नहीं एक काम कर बेंच पटाखे पे ही बैठा दे, थोड़े चूहे मारने वाली दवाई है क्या, दे इधर दे। अरे चूहा नहीं मरेगा मैं मरूंगा, चूतिया बना रखा है साला मादर। But well, Kapil the player is still somehow dodging the bullets. I don't know how. Like, kya ho raha hai yahan? People are so dumb in this universe, I guess. So I won't even try. I got bitches all on my dick and every day. Suck
के लिए। बट वेल, तभी कचरा सेठ को दिख जाता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एम्प्लॉय से मिक्सअप हुआ जोरू का फोटो, एंड उसे है कपिल पे शक। व्हाट द फक, की साला रिलेशनशिप में है मैं जो धोखा। तो एली इज लाइक, साला हमारा बाप हमारी शादी नहीं करने देगा, चलो भाग के शादी करते हैं कोर्ट में। ए चुचे लॉयर है ना तू, जुगाड़ कर कुछ। एंड ये बहन का पकौड़ा कोर्ट पहुंच जाता है शादी कराने के लिए, एंड गेस व्हाट, इसके विटनेस कौन है? नहीं नहीं सीरियसली गेस व्हाट, कपिल की तीनों बीवी। बस अब और नहीं होगा, आई नीड अ वेकेशन। Anyway, तो ये भाग जाता है वहां से, बिकॉज क्या करें हैं? सच तो बोला नहीं गया किसी से अबाउट हिज अदर मैरिजेस, एंड अंधा पैसा भी है इसके पास, सो ही कैन अफोर्ड दिस शिट बिकॉज आई एम fucking rich. But since कपिल नहीं है यहाँ, तो बीवी वाली विटनेस निकल जाती है वहाँ से, एंड ये वापस आ जाता है शादी के मूड में कि बूम ससुर जी बस्टेड, एंड ही इज लाइक 150 रुपया देगा साला, ये लड़का चूतिया काट रहा है तेरा, शादी शुदा है ये, वो एम्प्लॉय को बुलाओ। एंड एम्प्लॉय इज लाइक, अरे नहीं नहीं हमरी इतनी फट गई थी फोटो रिप्लेसमेंट के बाद कि हम जॉब रखने के लिए झूठ बोल दिए, सॉरी। एंड कचरा सेठ इज लाइक, तेरी शादी का खर्चा मैं उठाएगा, बोल कैसा शादी चाहिए, साला इतना पैसा है इनके पास, थोड़े यहाँ भी दे दो यार, मतलब ज्यादा नहीं, बस PS5 लेना है, छोटे मोटे शॉप पूरे करने और कुछ नहीं। अबे चूतिया है क्या? बट वेल, इसकी तीनों बीवी इसकी होने वाली बीवी की बेस्टी है, तो शादी में तो आएंगी जरूर, तो अब करे तो करे क्या। वेल, दूल्हा दुल्हन वाला थीम रखें शादी का, कहे कि सबके पास अंधा पैसा है ना यहाँ। एंड वेल, ही इज सेफ, चूचा इज सेफ, तीनों बीवी से सेफ, इसके मॉम डैड हु अपेरेंटली होली मदर ऑफ कोइंसिडेंस आर फ्रेंड्स विद कचरा सेठ, उनसे भी सेफ। क्या यार ये, मतलब क्या, अरबाज खान को भी बुला लो यहाँ है। एंड गेस व्हाट, वहाँ अरबाज खान जो एक दूल्हे को किडनैप कर रखा था वो, तो ये भी यहाँ गेटअप में उसे ढूंढ रहा है। अब अगर भगवान भी प्रकट हो गए ना बेटा, तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला, कसम से बता रहा हूँ। ये भी ठीक है। और ये सबको गन दिखा के बोलता है, आए सारा उठाओ वरना मैं ठोक देगा। पुलिस को कोई बुलाने का नहीं क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में। आए कपिल जैसा दिख रहा है तू, लेकिन चल ठीक है, हम अपना किडनैप हुआ आदमी ढूंढ रहे हैं। ओ ये रहा, अरे चलो फिर रहने दो, सॉरी, एंजॉय गाइस। बट वेल, कपिल को है जल्दी, किसके लिए भाई, सुहाग रात है। एंड वो आग में इतना घी डाल देता है कि बस्टेड। एंड इसकी बीवी इज लाइक, ये साला ये तो हमारा जोरू है, अरे ये तो हमारा भी जोरू है, अरे हमारा भी जोरू यही है, और किसी का तो जोरू नहीं है ना, है कंफर्म कर लो भाई, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, हंसा बेन जाओ डांटो इसे। एंड हंसा बेन इज लाइक, साला चीटर कॉक, ये ले चट देनी मार दे, चल अब इमोशनल सा डायलॉग बोल के सबको पटा ले चल। एंड ही इज लाइक, साला तीनों के साथ जबरदस्ती शादी हुआ, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूँ, कसम से किसी के साथ गलत नहीं किया, खुश रखा सबको, एंड आई एम आल्सो रिच, प्लीज प्लीज आई एम रिच, ठीक है, बिकॉज़ आई एम फकिंग रिच। तो एवरीवन इज लाइक, एंड गेस व्हाट, गेस व्हाट, अरे गेस तो करो यार, इसकी चौथी शादी भी हो जाती है। What? सबके सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। What the fuck? मतलब क्या क्या, सीरियसली क्या, What the fuck is this? ये लोग रात में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं ओर्जी? बहुत सारे सवाल है मेरे मन में, मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इस मूवी का नाम किस किस को प्यार करूं की जगह Shit you do for a lifetime of 5 सम होना चाहिए था, ज्यादा का पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन ही जाता, if you know what I mean। And then again, भाई और उनकी बहनों, हमारी official merchandise launch हो चुकी है, which is finally exclusively available on www.theoddfriend.com. जाओ और जाके check करो, shopping करो, थोड़ी मजे करो, go for it. Link description में मिल जाएगी। Video पसंद है तो like करना, ज़्यादा पसंद है तो share करना, और channel पे हो तो subscribe भी करी लेना यार। कब तक जवानी छुपाओगे रानी, गवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुनिया बनोगी। आगे नहीं गाऊंगा, आगे नहीं गाऊंगा, प्रपोज थोड़ी कर रहा हूँ, पागलो।